साहब जी, मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ विशेष होली के दिन क्या करें क्या ना करें। होली रंगों भरी खुशियों का त्यौहार है। इस दिन हर एक दूसरे पर रंग लगाने की परंपरा सदियों से जारी है, लेकिन रंगों भरे इस दिन के एक दिन पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन इन बातों पर गौर करना बेहद ज़रूरी होता है। होली के दिन प्रातःकाल हींग के पानी से कुल्ला करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विद्वेष भाव रखता हो, उसके द्वारा दी गई वस्तु को नहीं रखना है। उसके द्वारा दी गई वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए। होलिका दहन की रात घर के सभी सदस्यों को सरसों का औक्टन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। गाय के गोबर में जौ, अरसी, कुश मिलाकर छोटा उपला बना लें। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से नजर दोष, बुरी शक्तियों दोनों टुटकों से घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। होली की राख को घर के चारों ओर दरवाजे पर छिड़कें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी धुरैड़ी के दिन होलिकाग्नि की राख को माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है बाईं ओर से दाईं ओर तीन रेखा खींचें, इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।